आज हम बात करेंगे शॉक थेरेपी की। हमने पिछली वीडियो में बात की थी द एंड ऑफ बायोपोलैरिटी में यूएसएसआर कैसे विघटित हुआ, उसके क्या परिणाम निकले, राइट, किन कारणों से हुआ, तो उसके बारे में हमने बात की थी। आज हम उसी से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक उठा रहे हैं, शॉक थेरेपी। शॉक का अगर जनरल मीनिंग देखा जाए, शॉक का मतलब क्या होता है, जो किसी को झटका देना, आघात करना, राइट। तो ऐसे इसको हिंदी में क्या कहेंगे, आघात। कौन सी थेरेपी नहीं, आघात थेरेपी, शॉक थेरेपी। किसको एकदम से ऑल ऑफ सडन झटका दे देना, उसको हम बोलते हैं शॉक, राइट। तो इसमें शॉक थेरेपी क्या थी, ट्रांजिशन फ्रॉम एन अथॉरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम। अथॉरिटेरियन मतलब एक अथॉरिटी के अंडर। कल हमने बात की थी कि यूएसएसआर में केवल कम्युनिस्ट पार्टी थी जिसका पूरा कंट्रोल था, यानी सब कुछ केवल उसी के अंडर था, राइट। दूसरा, हमने जब कोल्ड वॉर के बारे में डिस्कस किया था, तो उसमें हमने बात की थी कि यूएसएसआर पूंजीवाद के, जो अमेरिका का आइडियोलॉजी थी कैपिटलिज्म की, उसके बिल्कुल अगेंस्ट, राइट। वो किसको फॉलो करता था, सोशलिज्म को, समाजवाद, ठीक है। लेकिन अब वो समाजवाद को फॉलो करता था, तो यहाँ जो हम शॉक थेरेपी की बात करें, यहाँ क्या हुआ था कि यूएसएसआर ने अपना वो जो अथॉरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम था उसको छोड़कर कौन सा सिस्टम अपना लिया, एकदम से लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था, यानी जिसको वो शुरू से अपोज करता आया था, कैपिटलिज्म को शुरू से ही यूएसएसआर अपोज कर रहा था, अब वो उसी कैपिटलिज्म को अपना रहा था। आर यू गेटिंग द पॉइंट, राइट। कि ट्रांजिशन फ्रॉम एन अथॉरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम, सत्तावादी समाजवादी व्यवस्था से कौन सी व्यवस्था में शिफ्ट हो गए, बोलो, लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था। तो जो ये शिफ्ट होना था, ये क्या था, शॉक थेरेपी, ठीक है। इसमें क्या था, जो रशिया, रूस, सेंट्रल एशिया, ईस्ट यूरोप, ये जो एरियाज थे, ये वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इन्होंने एक मॉडल तैयार किया था। ये लोग इनके द्वारा बनाए गए मॉडल से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। वो मॉडल डेवलपमेंट का मॉडल था, राइट। वो डेवलपमेंट का मॉडल कौन सी आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहा था, कैपिटलिज्म को, पूंजीवादी व्यवस्था, ठीक है। अब क्योंकि हमने पढ़ा था कि यूएसएसआर में विघटन के बाद बेरोजगारी बहुत ज्यादा थी, गरीबी बढ़ गई थी, पॉवर्टी इंक्रीज हो गई थी, तो ऐसे में वो लोग, ऐसे लोग सारी अर्थव्यवस्था से उभरने के लिए अभी ने कोई और तरीका नहीं सोचा, तो इन्होंने कौन सा मॉडल एडॉप्ट कर लिया, जो कैपिटलिस्ट मॉडल था, पूंजीवादी व्यवस्था, जो यूएसए, ठीक है। तो इन्होंने उसको अपनाया। तो ये जो ट्रांजिशन है, यानी सत्तावादी समाजवादी व्यवस्था से लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था में शिफ्ट होना, क्या कहलाता है, शॉक थेरेपी। अच्छा, सोशलिस्ट सिस्टम था, उसमें किसके क्या किया जाता था, कलेक्टिव फार्म, यानी फार्म्स जो थे, वो अपने शायद क्लास में पहले भी बात की होगी कि फार्म्स जो कलेक्टिव फार्म में क्या होता है कि सारे के किसी भी इंडिविजुअल एग्जिस्टिंग ट्रेड अलायंसेस थे, जिनके साथ उनका
ब्रेकअप हो गया, उन सबसे उनका जो ट्रेड का जो व्यापार था वो समाप्त हो गया, राइट। अब नतीजा क्या निकला उनके ट्रेड पर, मोस्टली जो उनकी इंडस्ट्रीज वगैरह थी उस पर किसका राइट हो गया, किसकी अथॉरिटी किसकी हो गई ज्यादातर, वेस्टर्न कंट्रीज की, राइट। जो वेस्टर्न कंट्रीज थी वो डायरेक्टली किससे लिंक हो गई, इनकी सारी इंडस्ट्रीज से, पूरे ट्रेड से इनका इन्फ्लुएंस उस पर पड़ना शुरू हो गया, ठीक है। अब वेस्टर्न कैपिटलिस्ट स्टेट बिकेम लीडर, अब इन्फ्लुएंस किसका हो गया रशिया पर, वेस्टर्न कंट्रीज का, यानी कैपिटलिस्ट मॉडल जो था उनके यहाँ पर इन्फ्लुएंस्ड होने लगा, जबकि पहले वो किस मॉडल को फॉलो कर रहे थे, सोशलिस्ट मॉडल, ठीक है। समाजवादी व्यवस्था वो पहले मान रहे थे, अब कौन सी व्यवस्था आ गई इसमें, पूंजीवादी व्यवस्था, ठीक। अब ये सारा क्या कहलाया, इसको हमने क्या बोला है, दैट इज नोन एज शॉक थेरेपी। उसको क्या बोला गया, शॉक थेरेपी, यानी समाजवादी व्यवस्था से किसमें कन्वर्ट होना, पूंजीवादी व्यवस्था। और इसके अलावा रशिया भी लेस कंसंट्रेशन
towards construction of democratic institution. अब जहां पर रशिया में पहले डेमोक्रेसी थी, अब नाम की डेमोक्रेसी रह गई, क्योंकि पूरा दबदबा पूरा कंट्रोल धीरे धीरे किनका हो रहा था, वेस्टर्न कंट्रीज का, पूंजीवाद का, राइट। तो ऐसे में अब डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को कंस्ट्रक्ट करने की तरफ, उनका निर्माण करने की तरफ अब ध्यान कम दिया जा रहा था, जिसकी वजह से वहां पर डेमोक्रेसी जो थी वो क्या थी, सिर्फ नाम की रह गई। ठीक है, फिर इसके बाद अब एक्सेप्ट दैट, और क्या हुआ, टेंशन एंड कंफ्लिक्ट। अब पूरे रशिया में क्या चीज बढ़ गई, संघर्ष और तनाव, यानी क्योंकि हर जो छोटी छोटी कंट्री, जिसका इंटीग्रेशन जब हुआ था रशिया में, हमने यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन लास्ट पिछले जो वीडियो थी, पिछले लेक्चर में हमने इसके बारे में बात की थी। अब नतीजा क्या हुआ, जब प्राइवेटाइजेशन हो गया तो गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस खत्म हो गई, वेस्टर्न कंट्रीज का उनके ऊपर कंट्रोल ज्यादा हो गया, तो ऐसे में वहां पर टेंशन और कंफ्लिक्ट स्टार्ट हुई, जिसने किसको जन्म दिया, सिविल वॉर, गृह युद्ध, राइट, सिविल वॉर स्टार्ट हो गई। अब नतीजा क्या हुआ, जिसकी वजह से अब जो आउटसाइडर आउटसाइड पावर्स थी, जो वेस्टर्न कंट्रीज थी, वो उनकी पॉलिटिक्स में, उनकी जो सिविल वॉर थी, जो उनके आपस गृह युद्ध थे, उसमें आउटसाइडर पावर्स जो थी, वेस्टर्न कंट्रीज जो थी, वो इंटरफेयर करने लगी। ठीक है, अब ऐसे में जैसे रशिया में टू रिपब्लिक्स थी, चेचनिया और दागिस्तान, यहाँ पर भी क्या हुआ, यहाँ पर हिंसक आंदोलन होने लगे, वायलेंट सेक्सेशनिस्ट मूवमेंट, हिंसक अलगाववादी आंदोलन, यानी कि ये अपने अलग से स्वतंत्रता की डिमांड करने लगे, जिसकी जिसको कैसे दबाया गया, विद द हेल्प ऑफ मिलिट्री। ठीक है, इसी तरीके से और भी बहुत सारे ऐसे प्लेसेस थे जहां पर इस तरह की मूवमेंट हुई। लोग अब जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज थी वो रशिया के कौन से एरियाज को अपने अंडर करना चाहते थे, नॉट ओनली रशिया, वर्ल्ड में कौन से एरियाज थे जिनको अपने अंडर करना चाहते थे, जहां पर रिसोर्सेज थे, उनमें रशिया भी अपने रिसोर्सफुल एरियाज को अपने अंडर करना चाहता था, क्योंकि अगर रिसोर्सफुल एरियाज उनके अंडर हो गए तो बट नेचुरली उनकी इकोनॉमी डेवलप होगी। ठीक है, तो अलग अलग कंट्रीज, काफी सारी ऐसी कंट्रीज थी जो रिसोर्सफुल एरियाज को अपने अंडर करना चाहती, रिसोर्सफुल एरिया जैसे सेंट्रल एशिया। अब सेंट्रल एशिया में कौन से रिसोर्सेज थे, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज में कौन से आते हैं, लाइक पेट्रोलियम। ठीक है, तो इस एरिया को अब कौन कौन सी कंट्रीज थी, जैसे रशिया, चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सब वेस्ट एशिया के क्लोज थे, राइट। तो ये सारे भी जो थे उन सभी एरियाज को अपने अंडर करना चाहते थे जहाँ पर रिसोर्सेज पाए जाते। ठीक है, अब ऐसे ही आफ्टर 11 सितंबर 2001 यूएस क्या चाहता था कि इस रीजन में जो सेंट्रल एशिया है, जितने भी रिसोर्सफुल रीजंस हैं, उनमें वो अपना मिलिट्री बेस बनाए, क्योंकि नेचुरली जहां उसका मिलिट्री बेस बनेगा वो सारा एरिया उसी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से ईस्टर्न यूरोप कंफ्लिक्ट और टेंशन की वजह से सिविल वॉर शुरू हो गए थे, हमने भी बात की पहले कि सिविल वॉर स्टार्ट हो गए थे, अब उसकी वजह से क्या हुआ, ईस्टर्न यूरोप जो था उसमें चोकोस्लाविया, जो कि ईस्टर्न यूरोप में पड़ता है, चोकोस्लाविया स्प्लिट हो गया, पूरा चोकोस्लाविया जो था, एक पूरा एरिया था वो दो हिस्सों में बट गया, कौन कौन से, एक हिस्सा कहलाया चेक और दूसरा किस नाम से जाना जाने लगा, स्लोवेनिया। ठीक है, इसी तरीके से अप्रैल 1991 में यूगोस्लाविया वो भी डिवाइड हो गया, ये सारे पहले क्या थे, यूएसएसआर के एलाइंस कंट्रीज, राइट, यूगोस्लाविया भी, यूगोस्लाविया भी ब्रोक हो गया, उसमें भी डिवीजन हो गया, अब वो किस में बदल गया, उसमें भी कई तरह के प्रोविंसेस आ गए, अलग अलग प्रोविंसेस जैसे क्रोएशिया, स्लोवेनिया, बोस्निया एटसेट्रा, राइट। तो ये इस तरह से और भी बहुत सारी छोटी छोटी प्रोविंसेस थी जो भी यूगोस्लाविया में बन गई थी, ये सारे प्रोविंसेस पहले एक पूरा बड़ा एरिया थी यूगोस्लाविया, जैसे इंडिया पाकिस्तान पहले पूरा इंडिया था, बाद में टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया, इसी तरीके से सिविल वार की वजह से शॉक थेरेपी का ये जो बाद में कॉन्सिक्वेंसेस थे, कंफ्लिक्ट स्टार्ट हुए, सिविल वार स्टार्ट हो गई, जिसकी वजह से यूगोस्लाविया में भी ये सिविल वार स्टार्ट हुई, और नतीजा क्या निकला, यूगोस्लाविया भी कई प्रोविंसेस में बढ़ गया। ओके, तो ये सारा हमारा किसके बारे में था, रिगार्डिंग द शॉक थेरेपी।
न्यूयॉर्क में हो रही मौतों के अध्ययन से एक और चौंकाने वाली बात सामने आई।